स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीना मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर रीड चैप्टर 2 शेखीवास मक्खी। इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि एक जो मक्खी है उसको अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है और वह घमंड के कारण अपने आप को ही मुसीबत में फंसा लेती है। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिनभिनाने लगी। इसमें बता रहे हैं कि एक जंगल था, जंगल का राजा शेर था, वह भोजन करके आराम कर रहा था। लेकिन जो शेर था वह कैसा था, आलसी था। उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। इस कारण से जो मक्खी थी उसके पास भिनभिनाने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। अब शेर को नींद आ रही थी, उसने पंजा उठा करके मक्खी को उड़ा दिया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के नाक के पास भिनभिन शुरू हो गई। अब के बार क्या हुआ, मक्खी उसके नाक के पास भिनभिनाने लगी। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब शेर को गुस्सा आया, वह जोर से दहाड़ करके बोला, अरे मक्खी दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब मक्खी ने शेर को और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हुए बोला, अरे छी छी, आप तो जंगल के राजा शेर हो और आपके मुँह से ऐसी गंदी भाषा अच्छी नहीं लगती। शेर को गुस्सा बढ़ गया, यानी कि शेर को गुस्सा और तेज आने लगा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी। अब शेर बोल रहा था कि भाई एक तो क्या है, मुझे सोने नहीं दे रही हो, ऊपर से मुझे जवाब दे रही हो, मैं तो जंगल का राजा शेर हूँ। शेर इतना बोल ही रहा था तभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊँगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। मक्खी बोली, तुम क्या समझ रहे हो, मैं तुमसे डर जाऊंगी, नहीं मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब शेर आग बबूला हो गया। अब शेर को गुस्सा और ज़्यादा आने लगा और वह आग बबूला यानी कि बहुत तेज गुस्से में बोला। उसके कान के पास उसने पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई लेकिन जरा सा कान उसका छिल गया। अब मक्खी ने क्या किया, उसको सबक सिखाने के लिए शेर के कान पर बैठ गई। अब शेर ने अपना पंजा उठाया और पंजा कान के पास मारा तो मक्खी तोड़ गई लेकिन जरा सा उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी। अब की बार क्या हुआ, मक्खी उड़ी और शेर की नाक पर बैठ गई तो उसने मक्खी को फिर उड़ाने के लिए पंजा मारा तो मक्खी तोड़ गई लेकिन इस बार उसकी नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब मक्खी शेर को परेशान करने लगी, है ना, कभी उसके माथे पर बैठ, कभी गर्दन पर। जैसे ही शेर पंजा मारता तो वह खुद को ही घायल कर लेता, मक्खी तो फट से उड़ जाती लेकिन शेर खुद घायल हो जाता। अंत में शेर उब गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती। अंत में शेर थक गया और ऊब करके बोला कि मक्खी बहन मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और तुम मुझे अब छोड़ दो, तुम जीत गई और मैं हार गया। अब मक्खी घमंड में चूर हो गई, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। उसने सोचा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैंने जंगल के राजा शेर को भी उड़ा दिया। अब मक्खी उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी उड़ने लगी और आगे बढ़ी, सामने उसको एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। अब मक्खी को घमंड तो पहले ही हो गया था कि भाई मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। मैं बोली, हाथी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब मैं बोली कि भाई मैंने तो जंगल के राजा शेर को हरा दिया, मैं शेर से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मुझे प्रणाम करो, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज्य चलेगा। हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा, कौन अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाई और मक्खी को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। सामने से एक लोमड़ी आ रही थी, वह यह सब कुछ देख रही थी
और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। अब लोमड़ी से बोली मक्खी घमंड में चूर होकर के भाई लोमड़ी, चलो मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। विशालकाय अर्थात बहुत बड़े विशाल आकार वाले हाथी को भी मैंने हरा दिया, मुझे प्रणाम करो, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। अब वह धीरे धीरे बोलने लगी कि हे मक्खी रानी, तुम महान हो और आपका जीवन भी महान है, आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता महान है यानी कि धन्य है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह जो मकड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। अब लोमड़ी ने सोचा कि इस घमंडी मक्खी को सबक सिखाना चाहिए, तो उसने विचार किया, बोला कि मक्खी रानी, उधर देखो वह जो मकड़ी है वह क्या है, आपको गाली दे रही है, उसकी जगह जरा आप जाकर के खबर तो ले लो कि वो आपको गाली क्यों दे रही है। इतना सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूँगी। अब मकड़ी को मैं क्या करूँगी, मैं तो एक पल में ही उसको चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूँगी यानी कि मार दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब जैसे ही उसने उस पर हमला किया तो वह क्या हुआ, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जैसे जैसे कोशिश करती, वह वैसे वैसे अधिक फंसती जाती और अंत में मक्खी थक कर हार गई और वहीं पर फंस कर जान दे दी। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, अर्थात यह देखकर कि जो मक्खी है उसका घमंड चूर चूर हो गया है, वह धीरे धीरे मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। आपने देखा, जो घमंडी इंसान होता है उसको हमेशा झुकना पड़ता है, इसीलिए जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।